हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द दिल्ली के फूडी पाजी। तो गाइस, हमारे एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने हमसे एक स्पेशल रिक्वेस्ट की थी कि मैं पुष्प विहार में आऊं और ये जो मेरे पीछे है ना भैया, इनका शूट करूं। यहाँ के जो अमृतसरी कुलचे हैं ना, उन्होंने बताया बहुत ही खास है, बहुत ही स्पेशल है, बहुत ही ज़बरदस्त होते हैं, टेस्ट में बहुत ही अच्छे होते हैं। तो मैं आज आ गया हूँ रियल टेस्ट ऑफ पंजाब में। तो गाइस, हम देखते हैं जो ये है द रियल टेस्ट ऑफ पंजाब, इसमें क्या खास बात है। तो आइए चलते हैं, भैया से बात करते हैं और यहाँ का टेस्ट करते हैं और करते हैं रिव्यू। तो आइए। तो गाइस, सबसे पहले यहाँ के जो ऑनर हैं उनसे बात करते हैं, आइए। पहले तो भैया नमस्ते आपके सारे चैनल के दर्शकों को। हमने भैया 9 साल पहले शुरू किया था आटे, और ये मेरे मदर ने शुरू किया था, मम्मी के लिए। हाँ जी, और हमारे अब से टोटल 9 साल हो गए हैं हमें, और 4 साल हमने पहले सेक्टर 5 के गेट के बाहर लगाई थी, और 5 साल हमें यहाँ पर हो गए हैं। पहले तो आपने अपना नाम नहीं बताया, शुभ नाम बताइए। भैया मेरा नाम कन्वरप्रीत है। अरे कन्वरप्रीत, पंजाबी है? हाँ जी हाँ जी। तो दिल्ली से या नहीं जी, बठिंडा से हम लोग। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो ये आप रेसिपी जो है, ये टेस्ट वहीं से लाए हैं? वहीं से ही लाए हैं जी। भैया पहले तो हमारे छोले बिना घी तेल के होते हैं और बिना तड़के के, और चटनी भी अपने इमली और प्याज की होती है मेन, और हम जो अपना डो तैयार करते हैं वो दूध और दही से तैयार करते हैं। हाँ जी, इससे ऐसा है कि अगर आप कहीं ट्रिप पर भी जा रहे हो तो थोड़ी अगर लेट भी हो जाओ तो ये च्यूई करने में आपको प्रॉब्लम नहीं करेगा, सॉफ्ट ही रहेगा वैसे। हाँ जी, बाकी आपको भैया बता देते हैं। तो नमस्कार भैया जी। नमस्कार भैया, सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम सतपाल सिंह है भैया। ठीक है जी, बताइए ये डो कैसे, आप कितने बजे यहाँ पे दुकान पे आ जाते हैं? दुकान पर सुबह 6:30 बजे आ जाते हैं। तो डो के बारे बताएंगे कैसे बनता है, दिखाएंगे जरा। पहले हम, और कितने टाइप के आपके यहाँ पे होते हैं? हमारे पास 2 तरह के यहाँ कुलचा अवेलेबल, हमेशा सर्दियों में हम अपना ड्राई फ्रूट कुलचा और लगाते हैं। ठीक है, गर्मियों में ड्राई फ्रूट कुलचे की मांग नहीं होती। ठीक है, गर्मियों में हम ड्राई फ्रूट कुलचा नहीं देते। हमारे पास पनीर कुलचा और मिक्स कुलचा अवेलेबल रहता है। ठीक है, जरा डो दिखाएंगे जी, बिल्कुल बताएंगे कैसे तैयार होता है। देखिए ये हमारा लेयर है, डो है। अच्छा। हाँ जी, इसमें लेयर पड़े हुए हैं। हाँ जी, ये कितनी लेयर का होता है? ये हमारे पास अभी 9 लेयर है। 9 लेयर का है भाई, देख रहे हैं गाइस कितना जबरदस्त है। अंदर भी स्टफिंग कर रखी है आपने? अंदर भी स्टफ्ड है, इसमें गोभी, पनीर, अदरक, धनिया, प्याज। ठीक है। हाँ जी, मसाले वगैरह हर चीज इसमें काफी कुछ मिला हुआ है। हाँ जी, मसाले भी पड़े हुए हैं जी। ठीक है, और ये दूसरा डो कौन सा है? इसमें हम पेड़े रेडी करके रखे। अच्छा, ये पेड़े तैयार कर रखे हैं आपने? इसमें पेस्ट में आलू की स्टफ एक्स्ट्रा होती है। ठीक है, तो उस्ताद जी हमें आज कौन सा खिलाएंगे? आप दोनों ही खा के देखिएगा, हमारे पास आकर पनीर भी और मिक्स कुलचा, दोनों ही खा के देखिएगा। तो हमारे लिए लगा दीजिए, ये प्लेट लगाइए फटाफट से। तो जी ये आ गया जी हमारा पहले पनीर का, ये भर भर के भैया ने पूरा पनीर डाल दिया सर। गाइस देख रहे हैं क्या जबरदस्त पनीर डाला है इन्होंने। ये देखिए जी, एक बार चेक कर लीजिए, इतना जबरदस्त पूरा भर भर के डाले जा रहे हैं भैया। तो ये अब आ गई मिक्स वाले, आ गए जी ये मिक्स कुलचा। ठीक है, ये देखिए जी मिक्स कुलचा आ गया, और ये भी इन्होंने जबरदस्त तरीके से डाल दिया। अच्छा भैया, मिक्स में आपने बताया था, ये इसमें क्या क्या रहता है? आलू गोभी? इसमें देखो आलू गोभी, पनीर, अदरक, धनिया, प्याज, बाकी जो मसाले होते हैं वो साबुत मसाले वो भी होते हैं, खड़े मसाले साबुत मसाले सारे इसमें होते हैं। ये भैया ने काफी बड़े साइज देखो गाइस, एक बार इतने बड़े बड़े इन्होंने बना दिए है ना। अब ये जाएंगे हमारे तंदूर में, और एक बार ना गाइस तंदूर का भी साइज चेक करो, इतना बड़ा जबरदस्त तंदूर है ना। और ये चले गए जी तंदूर में हमारे अमृतसरी कुलचे। ये आ गया ये पनीर वाला, ये देखिए काफी खस्ता करारा कुलचे। तो ये देखिए जी अमूल बटर आ गया ऊपर। ये आ गए जी हमारे एक पनीर वाले और एक मसाले वाले। हाँ, तो जी गाइस ये आ गए हमारे अमृतसरी कुलचे, ये पनीर का जी, और ये वाला ये मिक्स कुलचा। ये मिक्स कुलचा। हाँ,
और भैया जी इसकी प्राइस क्या होती है? पनीर कुलचा हमारे पास 180 रुपए प्लेट है और मिक्स कुलचा 100 रुपए प्लेट है। मिक्स कुलचा 100 रुपए है। इसके साथ में अगर अमूल के साथ लोगे तो 20 रुपए एक्स्ट्रा है। अच्छा, दोनों के साथ वो 200 रुपए प्लेट हो जाएगी और 120 रुपए पर प्लेट। और उनमें दो दो कुलचे होंगे? हाँ जी, दो दो कुलचा होता है। ठीक है, और रायता भी है। रायते का एक ग्लास का प्राइस है 20 रुपए। इनका रायता भी ना एक बार देखिए, पूरा ठंडा और कितना बड़ा गिलास है। आम आप कहीं और दूसरी जगह पे जाते हैं ना तो आपको प्लास्टिक के छोटे छोटे से गिलास मिल जाते हैं, और रायता भी उनका थोड़ा पतला ही रहता है। सर देखिए, प्लास्टिक तो सरकार ने भी बैन कर रखा है, इसलिए हमने तो बर्तन ही रखे हैं। ठीक है, हम तो खुद सोचते कि सरकार के साथ ही करना चाहिए। स्वच्छता हमारा पहला ही धर्म है खाने पीने में। तो गाइस ये हमारी प्लेट आ गई है। ये जो है ये पनीर वाला है, और ये अमृतसरी कुलचा है मिक्स वाला। तो साथ में भैया ने छोले दिए, छोले बड़े जबरदस्त लग रहे हैं, लाल लाल रंग में। और ये आ गई प्याज की चटनी। तो गैस स्टफिंग देखते हैं, इनमें चेक करते हैं। ये आ गया जी पनीर वाला। एक बार जरा पास में आइए, स्टफिंग देखते हैं। ये देखिए जी क्या जबरदस्त भर भर के ना पनीर डाला हुआ है, और साथ में ऊपर अमूल का पूरा टिक्का टिक्की डाल दी इन्होंने। ये देखिए जी पूरा ना बिल्कुल कॉर्नर टू कॉर्नर हर तरफ स्टफिंग जबरदस्त तरीके से हो रखी है, और पूरे मसाले भी देख रहे हैं, मुझे सौंफ भी नजर आ रही है। अब भी आते हैं हम ये मिक्स वाले पे। ये देखिए जी इसकी भी स्टफिंग कितनी जबरदस्त हो रखी है, बहुत ही कुरकुरा लग रहा है बिल्कुल हाथ में आते ना। तो जी ये हम स्टार्ट करते हैं अपना मिक्स से। ये आ गया जी, बनाते हैं जी हम अपनी बाइट। और इतना क्रिस्पी है ना गाइस। ये जी भरते हैं इसमें छोले, और ये थोड़ा सा प्याज की चटनी, और ये जी हमारी बाइट तैयार है। भाई वाह, जबरदस्त मजा आ गया। पूरा ना पंजाब का ना पूरा एकदम टेस्ट है। भैया ने इतने जबरदस्त बनाया है ना। सबसे पहले तो ना मैं जो अपने सब्सक्राइबर है जिन्होंने हमें यहाँ की लोकेशन बताई, हमें सजेस्ट किया, उनका मैं ना बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूँ। बहुत बहुत थैंक्स है आपका। तो गाइस ये छोलों का भी टेस्ट करते हैं। छोले ना इनके बिल्कुल सादे हैं, बिल्कुल ऑयल फ्री हैं, कोई लहसुन अदरक नहीं डला हुआ। आराम से ना छोटों से लेके बड़े तक हर कोई इसे खा सकता है। स्पाइसी बिल्कुल नहीं है, लेकिन गजब का टेस्ट है, बहुत ही गजब का टेस्ट है। तो आइए फटाफट से ना अब हम पनीर वाला अमृतसरी कुलचा भी चेक करते हैं, इसका भी टेस्ट करते हुए करते हैं इसका रिव्यू शिव्यू। ये जी ये मैंने बनाता हूँ पहले अपनी बाइट। और ये जी मक्खन आ गया जी अमूल का जबरदस्त, इससे तो और भी जबरदस्त स्वाद बढ़ जाता है। और ये आ गए जी हमारे अमृतसरी छोले, हल्का सा चटनी, प्याज और इमली वाली। और ये जी बाइट तैयार है हमारी। मजा आ गया गाइस। पंजाब का जो रियल टेस्ट है ना वो पुष्ट विहार यानी दिल्ली में हमारे आ गया एकदम। दोनों कुलचे मैंने टेस्ट किए, इतने गजब के टेस्ट है ना इसमें, इतना गजब का टेस्ट है। जैसा ये नाम है ना टेस्ट ऑफ पंजाब, बिल्कुल वही बात है इनमें। पूरा हाईली रिकमेंडेड है आपके लिए। तो गाइस अब ये लस्सी जो इनकी है, सॉरी छाछ जो है बूंदी वाला रायता, इसको भी टेस्ट करते हैं। और जो मेरे कैमरा मैन है ना, इन्होंने तो ये देखिए पहले पी ली और इनको बहुत गजब की लगी है। पूरा इनको पंजाब का टेस्ट लगा है, क्योंकि ये पंजाब बहुत घूमते हैं। तो जी मैं भी ये टेस्ट करता हूँ, फिर करते हैं इसका भी रिव्यू शिव्यू। गाइस टेस्ट में तो नहीं इतनी गजब की है ना ये छाछ, कहने को ये छाछ है, लेकिन जो इसमें दही इस्तेमाल हुआ है ना, पकौड़ियाँ भी है, नमक शमक मसाले सब डले हुए हैं, लेकिन फिर भी ये ना मिठास आ रही है इसमें से, पूरी मीठी मीठी सी लग रही है। टेस्ट वाकई बिल्कुल जो अपना खालस होता है ना, बहुत ही गजब का टेस्ट है। भैया जी ऐसे खस्ता करा रहे, पूरा रियल पूरा पंजाब का टेस्ट किसी को खाना हो तो यहाँ का एड्रेस लोकेशन बता दीजिए। एड्रेस है पुष्प विहार, वहाँ देखे पुष्प विहार सेक्टर 5। ठीक है जी, नियर बाई ये NBCC प्लाजा है अपना। जी जी जी, साकेत में पड़ता है। और ये स्विगी और जोमेटो पे भी है आपका? स्विगी और जोमेटो पे अवेलेबल है, पंजाबी फूड्स के नाम से। अच्छा, पंजाबी फूड के नाम से है स्विगी और जोमेटो पे भी। तो थैंक यू भैया जी, बहुत ही गजब का टेस्ट आपका, बहुत ही आपने बढ़िया बनाए हैं। थैंक यू भाजी। तो गाइस मैंने तो अपनी प्लेट कर ली है फिनिश,
बहुत ही गजब के थे, अब आप कब आ रहे हैं? आप भी जल्दी से आइए और ऐसे अमृतसरी कुल्चों का मजा लीजिए, फटाफट आ जाइए। तो गैस बस आपका ना एक लास्ट काम रह गया, फटाफट से ना लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मैं चलता हूँ अगली डेस्टिनेशन पे आपके लिए बनाने एक जबरदस्त सी वीडियो, तब तक के लिए सत श्री अकाल, बाय बाय।